हेलो गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूँ मैं जो नज़र आई थी जोड़ी खुशी और अर्णव की, आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। आज भी लोग इस जोड़ी को काफ़ी मिस करते हैं, आज भी लोग इस जोड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। जी हाँ, आज भी लोग इसे देखने के लिए काफ़ी बेताब हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सो बता दें आपको, मेकर्स भी आप लोगों के लिए ही लगे हुए हैं। जी हाँ, डेफिनेटली आप लोगों की फेवरेट जोड़ी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है। जिस तरह से बीते कुछ टाइम से खबर लगातार सामने आ रही है कि खुशी और अर्णव को लेकर कि मेकर्स कहीं ना कहीं दोनों को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्द सबके सामने नज़र आने वाला है। कहीं खबर आ रही है कि इस प्यार को क्या नाम दूँ शो का सीज़न 4 आ सकता है, तो कहीं खबर आ रही है कि ये जोड़ी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन न्यू प्रोजेक्ट के ज़रिए, यानी एक अलग तरीके का आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा, एक अलग स्टोरी होगी, यानी वेब सीरीज़ हो सकती है कोई, या फिर आपको म्यूज़िक एल्बम के ज़रिए भी ये जोड़ी देखने को मिल सकती है। फ़िलहाल के लिए खबर सिर्फ ऐसी है कि यहाँ पर आपको खुशी और अर्णव की जोड़ी देखने को मिल सकती है, यानी वरुण शुभ से नायर रानी एक दूसरे के अपोजिट देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें डेली शुभ की, तो जी नहीं, डेली शुभ नहीं आने वाला है, ये बात क्लियर है, क्योंकि आप जानते होंगे शनाया रानी ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान बोला था कि वो डेली शोप में नज़र नहीं आना चाहती हैं। उन्होंने ब्रेक ले रखा है टीवी इंडस्ट्री से, क्योंकि वो रोबोटिक कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहती हैं, और डेली शोप में यही होता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर डेली प्ले करना होता है, जिस वजह से काफ़ी बोरिंग हो जाता है, और यही वजह है कि वो टीवी से ब्रेक ले रखा है। उन्होंने अच्छे कैरेक्टर का इंतज़ार कर रही हैं, अगर कोई दमदार कैरेक्टर उन्हें ऑफर हुआ डेफिनेटली नज़र आएंगी। सो यही वजह है कि डेली शोप तो नहीं हो सकता है इस जोड़ी को लेकर। हाँ, लेकिन बहुत ही जल्द आप OTT पर इस जोड़ी को देखने वाले हैं, या फिर म्यूज़िक एल्बम के जरिए ज़रूर से देखने को मिलेगी ये जोड़ी। सो कितना एक्साइटेड हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस प्यार को क्या नाम दूँ शो का सीज़न 4 देखने के लिए, क्या आप भी चाहते हैं कि सनाया और वरुण ही एक दूसरे के अपोजिट नज़र आए इस सीज़न 4 में, या फिर कोई नई जोड़ी जिसे आप लोगों पसंद करते हों, या फिर अविनाश सचदेव और श्रेणु पारी की जोड़ी जो कि इस प्यार को क्या नाम दूँ शो के सीज़न 2 में नज़र आई थी, ज़रूर से बताना कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।